हेलो स्टूडेंट्स तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वर्कशीट नंबर सेवेंटी सिक्स इंग्लिश की और क्लास नाइन आज की वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले डेट ज़रूर मेंशन करेंगे और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे सो इंटीग्रेटेड ग्रामर प्रैक्टिस आपका आज का टॉपिक है इसमें आपको इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है कि ग्रामर के लिए जो आपके कॉन्सेप्ट हैं ग्रामर कॉन्सेप्ट ठीक है आर्टिकल्स नाउन प्रोनाउन ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं सबको एक साथ मर्ज करके आपको दिया गया है सो सेंटेंस पढ़ना है और बताना है कि आपको क्या फिल करना है ऑप्शन चूज करने हैं क्योंकि आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं हर फिलअप में और बोला भी गया है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सिचुएबल डिटामाइनर्स सो यहाँ पर डेटामाइनर्स दिए गए हैं उनको देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है लाइक फर्स्ट फेसबुक इज डैश ग्रेट वे टू कनेक्ट विद फ्रेंड्स फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करने के लिए फेसबुक क्या है यहाँ पर एक अच्छा वे है ग्रेट वे टू कनेक्ट विद फ्रेंड्स सो यहाँ पे इज इस लगाए इसका का मतलब क्या है कि हम किसी एक चीज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है? आएगा आएगा ठीक है और जी है सो तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि एन तो आ ही नहीं सकता है और दा तो तब आता है ना जब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक चीज़ दी होती है तो यहाँ तो ग्रेट लिखा है स्पेसिफिक नहीं है सो तो यहाँ पे आप देखेंगे करेक्ट ऑप्शन क्या है अ और एनी तो होगा ही नहीं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन सी है ऐसे हम बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे स्लाइड्स पे मैं आपको इनके आंसर भी शो करूँगी उससे पहले ये भी देख लेते हैं कि आपको सेकंड क्वेश्चन भी दिया गया इसमें बोला गया कि कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन ऑप्शन आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ओके okay, उसके अलावा आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर दिया गया है सी ये भी मैसेज टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन वी आर अ मास्क मास्क जरूर पहने ओके okay? तो जैसा कि हमने फर्स्ट फिलअप कर लिया है फेसबुक इज अ ग्रेट वे टू कनेक्ट विथ फ्रेंड्स ओके देन सेकेंड है आपका जो फिलअप वो है सम पीपल थिंक फेसबुक इज़ डैश टू पोस्ट पिक्चर्स सो यहाँ पे कुछ लोग सोचते हैं कि फेसबुक क्या है सिर्फ और सिर्फ पोस्ट करने के लिए पिक्चर्स तो ऐसा नहीं है ओनली यहाँ पे क्या आएगा ओनली ऑप्शन बी बीज करेक्ट सम पीपल थिंक फेसबुक इज़ ओनली टू पोस्ट पिक्चर्स नहीं फेसबुक लोगों को कनेक्ट करने के साथ साथ नॉलेज एक्सप्लोर करने के लिए भी है ठीक है देन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड व्हाट्सअप स्नैपचैट एंड इंस्टाग्राम आर डैश सोशल नेटवर्किंग साइट्स सो यहाँ आपको बोला गया है कि व्हाट्सअप स्नैपचैट एंड इंस्टाग्राम ये सभी क्या हैं आर डैश सोशल नेटवर्किंग साइट्स सो आर सोशल नेटवर्किंग साइट्स ये कुछ नेटवर्किंग साइट्स हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स तो सम आएगा क्या आएगा समाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट देन क्वेश्चन फोर्थ इज फोर्थ फिलअप है जो आपका स्टूडेंट्स हैव डैश टू क्रेज फॉर सोशल मीडिया बच्चों के अंदर क्रेज होता है सोशल मीडिया का तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी टिक करना है अ लॉट ऑफ क्रेज क्या होता है बहुत क्रेज होता है सो स्टूडेंट्स हैव अ लॉट ऑफ क्रेज फॉर सोशल मीडिया देन क्वेश्चन फिफ्थ है आपका डैश सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैव सिक्योरिटी पॉलिसीज जो नेट सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं इनकी कुछ सिक्योरिटी पॉलिसीज़ होती हैं तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट क्योंकि सभी सोशल नेटवर्किंग साइट जो होती हैं उनकी कुछ सिक्योर सिक्योरिटी पॉलिसीज होती हैं जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ता है सो so, यहाँ, uh, यहाँ पर आएगा ऑल ऑल सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैव सिक्योरिटी पॉलिसीज देन यहाँ पर सिक्स फिलअप है डैश साइट इज़ मोर सुचल डिपेंड्स ऑन इट्स यूसेज ठीक है तो यहाँ पे आपको बोला गया कि डैश साइट इज़ मोर सिचुएबल कौन सी साइट ज़्यादा सिचुएबल है डिपेंड्स ऑन इट्स यूसेज ये उसकी यूसेज पे निर्भर करता है सो so, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा विच साइट इज़ मोर सिचुएबल डिपेंड्स ऑन इट्स इट्स यूसेज कौन सी साइट ज़्यादा सुचुएबल है वो उसकी यूसेज पर निर्भर करता है उसके बाद आपका जो सेकेंड पार्ट है इसमें आपको पैराग्राफ दिया गया है और इसमें बीच में फिलअप्स दिए गए हैं तो बताना है कि कौन सा करेक्ट फिलअप आप यहाँ पे फिल करेंगे ठीक है मतलब ऑप्शंस में से चूज़ करना है तो फर्स्ट तो सेंटेंस है टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी फर्स्ट अ गेस्ट लिस्ट हैज़ टू बी डैश सबसे पहले कोई पार्टी होगी तो आप क्या ऑर्गेनाइज करेंगे सबसे पहले आप लिस्ट बनाएंगे ठीक है हैज़ टू बी लिस्ट ड्रॉन क्या होगा लिस्ट बनाई जाएगी ड्रॉन अप देन इसके बाद है नेक्स्ट द वेन्यू उसके बाद वेन्यू देखा जाएगा कि कौन कौन से गेस्ट आएंगे देन वेन्यू देखेंगे नेक्स्ट द वेन्यू हैज़ टू बी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट हैज़ टू बी डिसाइडेड अपन सो यहाँ पे क्या होगा कि वेन्यू डिसाइड होगा देन डिपेंडिंग ऑन द गेस्ट लिस्ट द फूड आइटम्स एंड केटर आर फाइनलाइज्ड तो उसके बाद देखा जाएगा कि कौन कौन से गेस्ट आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग फूड uh, आइटम्स रखे जाएंगे केटर रखे जाएंगे और फाइनलाइज करेंगे सो so, यहाँ पे जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है द गेस्ट आर डैश एंड इनफॉर्म्ड अबाउट द वेन्यू एंड टाइम जो गेस्ट होंगे उन्हें हम क्या करेंगे इनवाइट करेंगे ठीक है द गेस्ट्स आर इनवाइटेड एंड इंफॉर्म्ड अबाउट द वेन्यू एंड टाइम ओके गेस्ट को हम इन्फॉर्म कर देंगे कि ये वेन्यू है और ये टाइम है देन प्रेर टू द बिगनिंग ऑफ द पार्टी द वेन्यू सो द वेन्यू यहाँ पे जो डी है इसमें सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है इज़ डेकोरेट प्रायर टू द बिगनिंग ऑफ द पार्टी द वेन्यू इज़ डेकोरेट अप्रोप्रिएटली ठीक है कि जो पार्टी स्टार्ट होगी और वेन्यू उसके अकॉर्डिंग आप उसे डेकोरेट कर सकते हैं ठीक है सो यहाँ पर कम्प्लीट होती है आपकी वर्कशीट आई होप सो so, आपको वीडियो पसंद आई होगी लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें